हिस्ट्री क्लास चल रहा था। अट्ठाईस साठ चौसठ का तीसरे पेज में आदमी बात चल रही थी। बाबा हमारे लिए बैकुंठ का खजाना ले आया है, तो बच्चों को बहुत अच्छी रीति खुशी में रहना चाहिए और खुशी भी इतनी चाहिए कि बाबा का वर्षा यानी विश्व का मालिक पना वो तो हमको मिलना ही है, क्योंकि बाप ने तो समझाया है ना कि बच्चे तुम ही वर्षा पाते हो, मतलब तुम ही वर्षा पाते हो मना जो बाप के सन्मुख आकर बैठते हैं वो ही वर्षा पाते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का। जो सन्मुख नहीं हो पाते वो वर्षा भी नहीं पाते। तुम ही विश्व के मालिक बनते हो। 5000 वर्ष पहले भारतवासी विश्व के मालिक थे। बाप ने समझाया ना, जो कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सिर्फ ये भारतवासी थे, दूसरा तो कोई धर्म नहीं था। ये भारतवासी ही विश्व के मालिक थे और ये कोई दूर की बात नहीं है। ये 5000 वर्ष क्यों कहना चाहिए? वो तो और ही कहते हैं 3000 बिफोर क्राइस्ट, यानी 3000 वर्ष पहले ये भारत विश्व का मालिक था। ये तो बच्चों को समझाया गया कि बरोबर भारतवासी ये विश्व के मालिक थे और शिव को ही परमात्मा कहते हैं। तो बच्चों को जितना हो सके उतना एक तो याद में रहें और दूसरा मुरली मिस न करें। बाबा कहते हैं ना कि तुम आए हो और तुमने मुरली नहीं सुनी है, पता नहीं कौन कौन सी नई पॉइंट्स गुई बातें बाबा ने समझाई होंगी, और शायद टैप में तो तुम वहां सुनते ही नहीं हो, क्योंकि अभी वहां बच्चे इतने मतवाले नहीं हैं। गरीब आबाद हैं, बेचारे उनमें कोई ताकत नहीं है कि टैप खरीद करके सुन सके, क्योंकि इतना लव नहीं है बाप के साथ, बाप के खजाने को पाने का। नहीं तो कलकत्ते में तो बड़ा शहर है और कोई अच्छे अच्छे होंगे तुम्हारे पास, ऐसे कोई मतवाले जो टैप खरीद करें, क्योंकि टैप में मात पिता बाबा की सारी कंप्लीट मुरली आती है। तुम्हारे पास जो लिथो में आती है
उसमें 60% 50% भी मुश्किल एक्यूरेट होगी। ऐसा क्यों कहा? इससे साबित होता है कि मुरली कट होती थी, कट हो जाती है ना। टैप में सारी मुरली सुन सकते हो, बड़ा भारी खजाना है। भले ये है गरीब निवास और गरीबों को ही वर्षा लेना है, ये तो बाबा खुद भी कहते हैं और गाया भी हुआ है कि गरीब ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा पाते हैं। क्योंकि यहाँ जो साहूकार हैं उनको तो जैसे स्वर्ग है और नरक है बेचारे गरीबों को, तो बाप आकर के गरीबों को ही उठाते हैं। बाबा को वंडर लगता है कि कलकत्ते में तुम्हारे सेंटर में एक टैप रिकॉर्ड भी कोई नहीं ले सकते हैं। तो टैप रखे और लिखे कि बाबा टैप तो भेजो, नहीं तो पटना में तो जाते हैं वो टैप ही सुनते हैं, वो मुरली भी नहीं सुनता है, टैप सुनता है, क्योंकि टैप में फुल बात आती है। तो वंडर है कितने धनवान लोग हैं, एक टैप तो खरीद सकते हो। इससे सिद्ध होता है कि कोई को भी पूरा निश्चय नहीं है। ये निश्चय है ही नहीं कि शायद बरोबर वो हमारा बाप है। अच्छा बच्चे, बाजा बजाओ। म्यूजिक बजा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितारों प्रति मात पिता और बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 29/8/64 शनिवार। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ, ये आत्मा ने कहा। कैसे कहा? इन शरीर के ऑर्गन्स के द्वारा कहा। कहते हैं मुझे आत्मा का शांत स्वरूप है, मुझे आत्मा को जब ये शरीर मिलता है तब मैं टाकी बन जाता हूँ, मुझे शरीर द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करने हैं। कोई भी सत्संग में या स्कूल में या कहाँ भी जब कोई बैठते हैं तो समझते हैं कि बरोबर ये मनुष्य बोलता है, देदारी बोलते हैं, क्योंकि जब टीचर सामने बैठा होगा या महात्मा बैठा होगा तो वो समझेगा कि ये फलाना महात्मा बैठा है, फलाना वजीर बैठा है, फलाना वो बैठा है।
यहां तो ये बातें नहीं है। तुम अभी समझते हो कि हम तो आत्मा है, जरूर आत्मा है, क्योंकि कहा ओम शांति, आई एम आत्मा। और ये माई ऑर्गन्स, आत्मा किस द्वारा सुनती है और किस से सुनती है? जब आत्मा सुनती है अपने परमपिता परमात्मा से, जिसका एक ही नाम है शिव। बच्चों को समझाया गया है ना, तो इस समय में जब ये बच्चे सुनने के लिए बैठते हैं, तो बुद्धि में होना चाहिए हमको कौन सुनाते हैं। जो बेहद का बाप है, परम पिता है, वो सुनाते हैं। क्योंकि जब परम पिता और मनुष्य कहते हैं, तो बुद्धि का योग ऊपर में जाता है। यहां अभी तुम जानते हो कि परम पिता शिव है और शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी तो परमात्मा भी बिंदी, क्योंकि उसको भी परम आत्मा कहा जाता है, उसको आत्मा कहा जाता है ना। उनको बच्चा कहा जाता है और उनको बाप कहा जाता है। तो अभी तुमको पढ़ाने वाला कौन है? जब भी सन्मुख बैठते हो तो ये समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर तो नहीं हूं। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा किससे सुनता हूं? अपने पारलौकिक बाप परमपिता से सुनता हूं। तो तुमको देही अभिमानी बनना पड़े, और कोई भी जगह में, जबकि कोई भी पढ़ते हैं सुनते हैं, मनुष्य ही मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी बैठा होगा तो वो गीता को याद करे, फिर कहेंगे कि गीता में भगवान ने ऐसे कहा है वैसे कहा है। अब गीता वालों को भी ये विचार है कि हाँ, भगवान ने साकार में ये गीता सुनाई थी। तो बुद्धि में साकार आ जाता है, कोई बैठ करके वेद सुनाते हैं तो जरूर कोई ने वेद पढ़े हैं, और वेद मनुष्यों ने रचे हैं। वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह मनुष्यों ने बनाए हैं, क्योंकि भगवान निराकार बैठ करके वेद नहीं बनाएंगे, और ना ये मनुष्य बनाएंगे। जिन्हें कहा जाता है वेद व्यास, व्यास मनुष्य को कहेंगे। व्यास कोई परमात्मा को नहीं कहेंगे, क्यों? व्यास परमात्मा को क्यों नहीं कहेंगे? है क्योंकि परमपिता परमात्मा जैसे और धर्म पिताएं हैं, वैसे परमपिता परमात्मा भी धर्म पिता है। अव्वल नंबर का धर्म पिता है,
धर्म पिताओं ने भी कोई वेद शास्त्र नहीं लिखे, क्राइस्ट ने कोई बाइबल नहीं लिखी, मोहम्मद ने कोई कुरान नहीं लिखी, उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से सुनाया। बाद में उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को ग्रंथ का रूप दे दिया। इसलिए कहा कि व्यास भी मनुष्य है, उनका भी मन चलायमान है। भगवान का मन कोई चलायमान नहीं होता है। मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं, वो तो असोचता है, उसे कुछ सोच विचार करने की दरकार नहीं है, मनन चिंतन मंथन करने की भी दरकार नहीं है। क्यों क्यों नहीं दरकार है? तो वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी है। तो त्रिकालदर्शी को मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार, सोच विचार करने की क्या दरकार? इसलिए बोला कि व्यास मनुष्य है, व्यास कोई कोई परमात्मा नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा बिंदी है, क्योंकि जैसे साकार बच्चे हैं तो उनको भी साकार का स्वरूप है, हाथ पांव माथा सब कुछ है ना, तो बाप को भी वही है। हाँ, उसमें जरूर छोटा और बड़ा होता है, क्योंकि बच्चे से बाप बनना है और इनको तो बाप कहते हैं। क्या कि मेरे को तो कोई छोटे बच्चे से बड़ा बाप नहीं बनना है? नहीं, मैं तो एवर हूँ, मेरे को कहते ही हैं परमपिता। जहाँ जो पिताएं बनती हैं वो पहले छोटे होते हैं, फिर बाद में बड़े होते हैं, पहले बालक होते हैं पीछे बड़े होते हैं। मनुष्य ऐसा ही होता होगा ना। अभी ये बच्चों को मालूम है ये जो पिता है परमपिता परमात्मा वो कोई बालक या बाप नहीं बनते हैं। अब बाप फिर बैठ करके समझाते हैं, तुम सभी बालक बन करके और बड़े हो करके पिता बनते हो, पिता बन करके फिर बालक बनते हो, और मैं तो हमेशा ही पिता हूं, इसलिए मुझे परम पिता कहा जाता है। मैं बालक नहीं बनता हूं, और मेरा नाम भी एक ही है शिव। तुम बच्चों को ऊपर समझाया गया कि 84 नाम पढ़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म लेते हैं, इसलिए बच्चों को ये समझाया है कि मुझे फिर कहते हैं कि परमपिता जो बिंदी रूप है बड़ा लिंग रूप नहीं है। पूजन के कारण मनुष्यों ने भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा बना दिया,
इसलिए बड़ा बनाया है, पूजा करने के लिए बड़ा बनाया है, और पूजा का कनेक्शन पवित्रता से है। पवित्रता बिंदी रूप में आकी जाएगी, या बड़े साकार रूप में आवे तब आकी जाएगी। पीछे पीछे इतना भी बड़ा बनाते हैं जैसे मनुष्य बड़े होते हैं। कोई कोई मनुष्यों के चित्र बड़े बड़े बनाते हैं। बुद्ध का छत जितना बनाएंगे। अभी ऐसे तो मनुष्य होते नहीं है। बुद्ध कोई इतना बड़ा तो नहीं था। ये तो उनको मान देते हैं कि बड़ा था, तो उनका शरीर बड़ा कर देते हैं। इस बात में बड़ा था है? बुद्ध किस बात में बड़ा था? बुद्धि में बड़ा था, और धर्म पिताओं के मुकाबले महात्मा बुद्ध प्योरिटी में भी बड़ा था। तो और धर्म पिताओं के चित्र इतने बड़े नहीं बनाते हैं, और बुद्ध का चित्र बहुत बड़ा बड़ा बनाई देते। तो बुद्धि को कैसे बड़ा दिखाया जाए, उनकी प्योरिटी को कैसे बड़ा दिखाया जाए, इसलिए बड़ा कर देते हैं। वैसे ही ये भी ऊंचे थे ऊंचा, बड़े थे बड़ा है कौन? ये माना परमपिता परमात्मा शिव भी ऊंचे थे ऊंचे, बड़े थे बड़ा है। किस रूप में? बिंदी रूप में नहीं। जब साकार रूप धारण करते हैं तो पवित्रता में भी बड़े और बुद्धि में भी बड़े। बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। बाप अपना परिचय देते हैं ना कि मैं कोई दूसरा शरीर नहीं धारण करता हूँ। दूसरा शरीर धारण नहीं करते? ब्रह्मा का शरीर नहीं धारण किया? हाँ, वो बाप के रूप में नहीं धारण किया। मैं कोई भी दूसरा शरीर नहीं धारण करता हूँ। यहाँ भी मेरे को तुम शिव बोलते हो, तुम बरोबर जानते हो कि हम आत्मा शिव बाबा की गोद में जाते हैं। अभी हम आत्माएं भी तो शरीरधारी हैं, तो अब शिव बाबा भी जब कोई न कोई शरीर धारण करे तभी तो उनकी गोद में जावे, नहीं तो कैसे जावेंगे? बिंदी की गोद में कैसे जावेंगे? बच्चे जब आते हैं तो उनको समझाया जाता है कि खबरदार रहना इस बात में है,
इस बात में खबरदार रहना। क्या बात चल रही थी कि तुमको शिव बाबा की गोद में जाना है। शिव बाबा किसे कहा जाता है? शिव माने बिंदी निराकार और बाबा माने साकार। वो है निराकार, उनकी गोद छोटी बड़ी नहीं होती है। देखो ये बच्चियां होती हैं, फिर बाद में माता होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। पहले इनको कुमारी कहेंगे, फिर माता कहेंगे, और मुझे क्या कहेंगे है? क्या कहेंगे? पहले भी मुझे परमपिता परमात्मा कहेंगे और बाद में भी शरीर धारण करता हूं तो भी मुझे परमपिता परमात्मा कहेंगे। यानी परमधाम में रहने वाली आत्मा। फिर उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। फिर माने कब? फिर माना है जब शरीर धारण करते हैं तब। फिर मनुष्य शरीर का मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, न कि बिंदु को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है नहीं। आत्माओं का भी झाड़ तो है परंतु वो आत्माओं का झाड़ है और ये साकार मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का झाड़ है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तब कहा जाता है जब साकार शरीर धारण करते हैं। तो आत्मा ना, ये बरोबर आत्मा बैठ करके समझाती है क्योंकि आत्मा कोई नॉलेज है। ये गाते हैं परमपिता परमात्मा, ये हो गया परमात्मा, वो ज्ञान का सागर। और ये कहते कौन है? तुम जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं हैं। बाबा परमपिता परमात्मा का ज्ञान सागर, वो हमको ज्ञान सुनाए रहे हैं। तो पहले पहले पक्का आत्माभिमानी बनना चाहिए।